नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्यूए सीरीज लेके आया हूं आपके लिए, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज 5 नंबर सीरियल नंबर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है देसी यार, यानी इनका नाम है देसी यार। देसी यार जी ने पूछा है, सर मैं डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर देखिए देसी यार जी, मैं आपका यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भी आप डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स का आप बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स आप सिंगापुर में बेच सकते हैं, यूके में बेच सकते हैं, आप यूएसए में भेज सकते हैं, आप यूएई में सकते हैं। तो ये सब कंट्रीज को आप टारगेट करते हैं, यूरोपियन मार्केट को आप टारगेट कर सकते हैं डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स के लिए। आपको बाई एयर भी आप भेज सकते हैं, उसको बाई शिप भी आप उसको भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको अपना जीएसटी नंबर लेना होगा। जीएसटी आप अगर लोकल में भी कोई बिजनेस करते हैं तो जीएसटी आपको लेना कंपलसरी ही है। ये कई बार क्वेश्चन नए एक्सपोर्टर्स का भी आता है कि सर अगर मुझे जीएसटी का रिफंड मिल रहा है तो फिर मैं जीएसटी नंबर लेना ही क्यों है। तो देखिए, अगर आप जीएसटी का रिफंड भी आपको लेना है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अकाउंट तो होना चाहिए कि जिससे कि वो जीएसटी आपके अकाउंट में आए। गवर्नमेंट कैसे आपको उसका बेनिफिट दे सकती है जीएसटी का, आपका उसका कुछ अकाउंट होना चाहिए। तो ऐसे ही जीएसटी का आपका नंबर होना चाहिए, यानी आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए इनकम टैक्स में। अगर मैं आईसी की बात करूं तो आपको आईसी लेना रहेगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जब आप लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट भी लेना जरूरी रहता है। यानी अगर आपका जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बिजनेस होता है और आपका जो अगर फॉरन से कोई पैसा आता है, यानी आपने कोई एक्सपोर्ट किया, फॉरन से आपको कोई पैसा आया, उसको बोलते हैं रिमिनेंट, आपका डॉलर रिमिनेंट आया है, यानी इनवर्ड रिमिनेंट। और जब आप अगर कोई बाहर भेजते हैं तो वो आउटवर्ड रिमिनेंट होता है। तो अगर इनवर्ड रिमिनेंट होता है तो आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपका बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। यानी अगर कोई लोकल में भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट आपका होना जरूरी है, सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा। तो आप करंट अकाउंट अपना ओपन करा लीजिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लीजिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप आसानी से खुद से भी ले सकते हैं, 500 रुपीज का उसका डीजीएफटी की वेबसाइट रहती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड, वहां से आप जाके आईसी कोड ले सकते हैं। आरसीएमसी आपको लेना रहेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, उसमें अपेड़ा का, यानी जो एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लगभग 5 से 5,500 रुपए का वहां आपको आरसीएमसी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। वो आप लेके अपना इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं और आप अपना एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं। और ये सब के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने की जरूरत नहीं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप खुद भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। और आप ऐसा नहीं कि आपको अगर किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं मिलती तो आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद भी कर सकते हैं, जीएसटी भी फ्री निकलता है। और अगर आपको आरसीएमसी का बेनिफिट लेना है, यानी जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है, तो गवर्नमेंट के इंसेंटिव आपको लेने हैं तो आपको आरसीएमसी लेना रहेगा। आरसीएमसी लेने के लिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, यानी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रहते हैं तो उसके लिए आपको अगर आप किसी कंसल्टेंट से कराते हैं तो आपको लगभग 2,200 से 3,000 रुपीज तक का वो लोग चार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी फ्रेंड की हेल्प ले लीजिए, किसी रिलेटिव्स की हेल्प ले लीजिए जिन्होंने पहले से ही एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फाइनली यू कैन गो टू द डीलर, कोई भी कंसल्टेंट को आप हायर करके उनसे आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आरसीएमसी ले सकते हैं या फिर आईसी कोड ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि ये कंप्लीट पैकेज भी बना के रखते हैं, तो कंप्लीट पैकेज भी आप उनका ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस टाइप से अपना कंपनी चालू कर सकते हैं और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इससे एक बेनिफिट और होगा कि आप जो भी डॉलर इंडिया में लेके आएंगे तो उससे हमारा जो इकोनॉमी है, कंट्री का इकोनॉमी है, वो जबरदस्त होता है, बूस्ट होता है, यानी वो इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। तो हम भी एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे, आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट यही रहता है हर किसी नए एक्सपोर्टर से, नए इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले हर किसी भाई बहन से, कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हो, आप इंपोर्ट कम से कम करें ताकि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हो। यानी एक्सपोर्ट अगर सरप्लस होगा
तो मतलब जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं टोटल, उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस होना चाहिए, ना कि हमारा एक्सपोर्ट कम होना चाहिए। तो डिफिशिएंट यहां नहीं होना चाहिए, यानी डिफिशिएंट क्या बोलते हैं कि जैसे हमारा इंपोर्ट, क्योंकि देखिए हम इंसान है, ह्यूमन है, कुछ ना कुछ हम कंजम्पशन करेंगे, ऐसा भी कुछ हम कंजम्पशन करेंगे जो कि हमारे यहां नहीं बनता, हमें किसी विदेश कंट्री से अपने यहां लाना रहेगा, तो इंपोर्ट करें। मैं इंपोर्ट करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना हो सके कम से कम इंपोर्ट करें, और जो नया चालू करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट इंसेंटिव भी देती है, वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट मार्जिन ही ऐड हो जाता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आईपी ग्रुप मोटिवेशन ने पूछा है, तो आईपी ग्रुप मोटिवेशन जी लिखते हैं, सर मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए एग एक्सपोर्ट की? तो देखिए आईपी ग्रुप मोटिवेशन जी, मैं आपका यहां बताना चाहूंगा कि मिनिमम कोई भी क्वांटिटी ऐसे कोई डिफाइन नहीं किया गया, कोई कहीं ऐसे डेफिनेशन कहीं डीजीएफटी की वेबसाइट या कहीं पे भी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा नहीं गया कि कोई भी, अगर आप प्रोडक्ट आप एग की पूछ रहे हैं तो मैं एग का ही बता रहा हूं, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का ऐसे कोई मिनिमम क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया गया। दैट इज डिपेंड अपॉन बायर एंड सप्लायर म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी अगर आपको एक अंडा एक एग भी अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस आपको देखना होगा कि ये फिजिबल है कि नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगा, यानी अगर आप एक ही अंडा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें बचेगा क्या, बस वो देखना है आपको कि आप उसका फिजिबल है कि नहीं है। जैसे ई कॉमर्स से सिंगल सिंगल पीस भी लोग कुछ कुछ भेजते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन उसमें हमें फिजिबल देखना रहेगा एक्सपोर्ट के बिजनेस में कि वो फिजिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बाकी गवर्नमेंट द्वारा कोई भी यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी की कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एच के रिएक्शन जी लिखते हैं, सर परचेज डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी कैसे ढूंढे फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द कंपनी? यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एच के रिएक्शन जी ने कि कोई भी अगर वेबसाइट, जैसे हम अगर जैसे मार्केट रिसर्च करते हैं, बायर रिसर्च करते हैं, तो बायर जब हम फाइंड करते हैं, तो वैसे तो मैं एक बताना चाहूंगा कि हमारा एक वीडियो भी है कि हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर, हाउ टू कन्विंस इंटरनेशनल बायर, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम जो बायर को ढूंढे, तो बायर को ढूंढने के लिए यानी सॉरी ये जो कंसर्न पर्सन रहता है, परचेज डिपार्टमेंट रहता है, उनका हम ईमेल आईडी कैसे ले सकते हैं? अगर आप मेल पे उनकी वेबसाइट पे देखिए, वेबसाइट पे अगर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा। लेकिन कई केस में क्या रहता है कि वो नॉर्मल जनरल ईमेल आईडी लिख के रखते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अगर परचेज डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करता हूं और वो कंपनी कोई भी इंपोर्ट करती दूसरी कंट्री से, तो वो इंपोर्ट करेगी, अभी मेरी जॉब जो है वो फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो मेरे नाम से ईमेल आईडी बनता है, जैसे Rajiv@aglobalexport, या फिर मैं किसी दूसरी कंपनी में, एक में पहले में जॉब करता था तो वहां पे लिखा रहता है Rajiv.Saini@adityabirla.com, Rajiv.Saini@dbpower.com, तो ये नाम से नॉर्मली बनता है ईमेल आईडी किसी कंसर्न पर्सन का, वो चाहे परचेज डिपार्टमेंट में हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट में हो, चाहे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हो, तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है। तो कई बार नॉर्मली कंपनी जो है जनरल ईमेल आईडी वहां पर डाल देती है, तो जनरल ईमेल आईडी किस टाइप की होगी, जैसे info@aglobalexport.com, info@aapka hi company le lete hain, hkreactions.com, agar aapne ye domain agar rakha hua hai apni website ka, तो इस टाइप से जो इन्फो वाले रहते हैं वो मेल किसके पास जाते हैं नॉर्मली, वो जो वहां पर जो रिसेप्शन पे बैठते हैं रिसेप्शन वाले उनको हैंडल करते हैं, या फिर जो उनका एडमिन डिपार्टमेंट रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रहता है, उनके पास वो मेल जाते हैं। तो अब वो भी मॉनिटर होते हैं, ऐसा नहीं वो मॉनिटर नहीं होते, वो भी मॉनिटर होते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो कि जो कंसर्न पर्सन है, कंसर्न पर्सन का हमें परचेज डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी चाहिए, तो प्लीज सपोर्ट अस, तो डेफिनेटली वो आपको परचेज डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी जरूर शेयर करेंगे फ्रेंड्स। हो सकता है अगर वो लगे, टाइम लग सकता है उनको, आप उनको दोबारा फॉलोअप कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमल दास जी ने, और अमल दास जी लिखते हैं, सर आई एम देवतीस दास फ्रॉम दादा ठाकुर एंटरप्राइजेस, तो इनकी कंपनी का नाम है दादा ठाकुर एंटरप्राइजेस, दादा ठाकुर फ्रॉम एंटरप्राइजेस फ्रॉम कोलकाता, आई हैव ऑलमोस्ट एवरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट बट आई डोंट हैव एनी मनी एनी गाइडेंस, प्लीज हेल्प मी फॉर एक्सपोर्ट इमिटेशन ज्वेलरी टू
सिंगापुर। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इमिटेशन ज्वेलरी मुझे करना है। देखिए कई बार क्वेश्चंस ये रहते हैं लोगों के कि मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप फ्री यूट्यूब वीडियोज देख सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, उसकी बुक्स आती है बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कोई नया जो ओल्ड एक्सपोर्टर है यानी एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर है उनके उनके पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए मैं भी किसी ना किसी से सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, तो कभी सीखने की कोई लिमिट नहीं रहती है। हमने तो अपना एक ग्रुप ही बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मुझे जब समय मिलता है तो मैं भी वहां रिप्लाई देता हूं, अदरवाइज कोई भी वहां पर दूसरा कोई मेंबर रहता है वो भी वहां पे रिप्लाई जरूर देता है। तो फ्रेंड्स आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अगर जैसे बात करें किसी से भी आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और अगर मनी की बात है तो आप कम बजट में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाले वो हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में भी बताया हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ वी कैन स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विद द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट, वो सब आप वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। और आप इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में बताते, इमिटेशन ज्वेलरी का भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी हमारे चैनल पर आप जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, ये आर्यन इजाजी है, आर्यन जी पूछ रहे हैं यहां पर कि सर मुझे एक्सपोर्ट करना है, प्लीज बताओ कहां कितना खर्चा आएगा एंड एक्सपोर्टर कहां मिलेंगे। तो देखिए ये तो हमें समझ में आया कितना खर्चा आएगा यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ये पूछते हैं एक्सपोर्टर कहां मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये पूछ रहे हैं कि बायर कहां मिलेंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर तो ये खुद हैं, खुद एक्सपोर्ट इनको करना है, तो एक्सपोर्टर ये नहीं ढूंढ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये बायर ढूंढ रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।